सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो समदेव। आज हम बात करेंगे मादरापाली पंचायत के मुखिया साथ ही साथ जदयू के युवा के पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ साथ आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल 2-3 रोज पहले सरकार में परिवर्तन हुआ है, तो उसको लेकर क्या ये कुछ कहना चाहते हैं और इसके पहले किस तरह की विधि व्यवस्था थी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले हम लोग आपका नाम जानना चाहेंगे। अनिल कुमार राम उर्फ मोहन राम और सिवान जिला के युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष मादरापाली पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा सर, जब जदयू का जब आप युवा पूर्व जिला अध्यक्ष थे उस समय किस तरह से आपका कार्यकाल रहा? बहुत सुंदर कार्यकाल रहा मेरा। हम पूरे बूथ स्तर पर कमेटी हम पूरे जिला में बनाए हुए थे और संगठन काफ़ी मजबूत था जिला में। फिलहाल अभी हम नहीं हैं, लेकिन अभी भी हम लोग पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी चूँकि प्रदेश में संगठन का अभी विस्तार नहीं हुआ है, निश्चित ही कोई ना कोई पार्टी मेरा कार्यशैली देख कर निश्चित ही बहुत कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन जो आप जब युवा अध्यक्ष जब थे आप, उस स्थिति में आप किस तरह से वर्क किए, कार्य किए कि लगातार आपको मतलब कि 2 बार से मुखिया के रूप में जानता चुन रही है, इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, हम लोग काम करने वाला व्यक्ति हैं और अपना काम पर पूर्ण रूप से विश्वास देते हैं और काम करते रहते हैं। जनता को चुनना न चुनना ये जनता का काम है, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं। अच्छा सर, जो 2 रोज पहले जो सरकार बनी है, न्यू सरकार जो बनी है, फिर राजद दुदू आपस में मिलकर सरकार जो बनी है, भाजपा चली गई, तो इसमें आपका कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जो सरकार ये बनी है असली गठबंधन यही है और इस सरकार में निश्चित ही रोजगार की बात होगी, युवाओं के रोजगार के लिए बात होगा, सिंचाई की बात होगी और सड़क की बात होगी, विकास की बात होगी, उद्योग धंधे की बात हो रही है। इसमें इस सरकार को आने से, महागठबंधन की सरकार आने से, विपक्षी दलों में भी आँख खुल गया है कि नहीं, अभी सरकार से रोजगार चाहिए, जबकि वो कल तक वो हम लोग के साथ में थे तो इस तरह की बात, रोजगार की बात नहीं करते थे और आज इस समय रोजगार की वो लोग बात कर रहे हैं। तो लोग से कहना चाहते हैं, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में बोल ही दिया है कि 10 लाख नहीं, हम लोग 20 लाख का रोजगार का व्यवस्था करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ हमको कुछ मंत्री नेता के माध्यम से ये सुनने को मिला और आम पब्लिक भी बता रही थी कि जो ये महागठबंधन की सरकार है या नीतीश कुमार है, अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो पूरा होगा नहीं, तो ये बातों कहाँ तक सही है और उसमें और क्या कुछ कहा गया था, थोड़ा विस्तार उसको करना चाहेंगे? देखिए, दूसरा कोई ज़्यादातर नहीं कर रहा है, हम लोग के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री RCP सिंह जी जो हम लोग के पार्टी के थे, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कुछ दिनों से काम कर रहे थे। पूरे जदयू परिवार को प्रदेश में पता चल गया कि ये पार्टी के तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने से पहले खुद जदयू ही अपना रास्ता अपना ली और महागठबंधन की सरकार बना ली बिहार में। तो RCP सिंह जी अभी आप कल आए थे, गोपालगंज में कल थे और आज सुबह सिवान से निकले हैं, महाराजगंज होते हुए अपना क्षेत्र दौरा कर रहे हैं और कल उनका बयान भी आया था कि जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और 7 जन्म में भी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो हम उनसे आपके माध्यम से, CCTV कैमरा के माध्यम से आपसे, हम आपको बताना चाहते हैं, उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक JDU ने आपको पद दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आप मंत्री बने, राज्यसभा सांसद गए, तब तक JDU ठीक था और जैसे ही आपसे कुछ सवाल किया तो आपको बुरा लग गया, जदयू का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, अपने अस्तित्व के बारे में सोचिए। आपने आया सिवान में, 5 लोग नहीं थे आपको रिसीव करने के लिए, एक पंचायत अध्यक्ष भी नहीं था जो आपको स्वागत कर सके सिवान में, तो आपको क्या लगता है कि जदयू टूट जाएगी? जदयू टूटने वाले नहीं है। जदयू का जो विचारधारा है, महात्मा गांधी का विचारों पर चलता है, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारों पर चलता है, JP का विचारधारों पर चलता है, राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारों पर चलता है, उन्हीं के विचारधारों को माननीय हम के प्रदेश के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चलते हैं, उन्हीं के निर्देश अनुसार हम लोग
पूरे बिहार के जदयू कार्यकर्ता उनके विचारधारा को लेकर चलती है। ये विचारधारा सामाजिक विचारधारा है, हम लोग समाज के हमेशा हित में काम किए हैं और निश्चित ही जनता हम लोग को विश्वास करती है और काम होते रहा। जैसे कि आप बोले हैं कि ये सरकार विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री की स्थापना जो है कभी पूरा नहीं हो पाता, क्या आपको लगता है कि अगर प्रयास करें तो ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि क्या, उसमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये किसी के लीलार पर लिखा नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपका व्यक्तित्व कृतित्व ही सबसे महान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी में वो ऐसे सारे गुण हैं जो प्रधानमंत्री के योग्य हैं। अगर देश में एक नज़र उठाकर देखा जाए तो देश में एक ऐसा स्वच्छ छवि का चेहरा अभी किसी में वो क्वालिटी नहीं है जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में है। मुख्यमंत्री जी निश्चित ही प्रधानमंत्री के योग्य हैं। अगर महागठबंधन उनको नेता मानती है 2024 में, तो निश्चित ही बदलाव होगा 24 में, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं ना, आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं, आप किस तरह से मान युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं? पूरा पार्टी काम कर रही है, पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर हम लोग जा रहे हैं। अभी भी दशरथ माझी जी का पुण्यतिथि हम लोग मनाए हैं। मनाने के बाद से उसी डेट से हम लोग पूरे जिले में जितने भी पंचायत हैं उनमें दलित महादलित खासकर हम लोग के टोला तक हम लोग जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास जो हम लोग कराए हैं उनके विकास के लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे, बताने का काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। आपको बता देते हैं कि ऐसे 86 बहाली जो है, जब से 2005 से उनकी सरकार बनी तब से 86 बहाली उन्होंने किए हैं। आशा से लेकर, टोला सेवक से लेकर, विकास मित्र से लेकर, शिक्षक बहाली से लेकर, स्वास्थ्य विभाग से लेकर, कौन से ऐसे विभाग नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहाली नहीं की है। इस बार जो होगा, इस जो कार्यकाल में होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा और ये निश्चित ही इस बार पूरे बिहार में आऊँगा, रोजगार मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे मंदरापाली के वर्तमान में जो मुखिया हैं, दो बार मुखिया रह चुके हैं, ये दूसरी बार मुखिया हैं, और साथ ही साथ में जदयू का जो पूरे सिवान जिला के युवा अध्यक्ष थे, और अभी के डेट में सर, अभी जो वर्तमान में आपका क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है इनको प्रधानमंत्री बनाने के लेकर, इसमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पूरे बिहार प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड परिवार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, ऐसे माने पूरे लोग लगे हुए हैं। हम लोग पूरा पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और निश्चित ही रूप से 24 में हम लोग की पूर्ण तैयारी होगी। जैसा माला कमान का निर्देश आएगा, हम एकदम तैयार हैं। यहाँ से सर एक बार आप पुनः अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार राम उप सोहन राम, सिवान युवा जदयू, पूर्व जिला अध्यक्ष, सब मदरापल्ली पंचायत का मुखिया हैं।